इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र स्थित बीसीएम हाइट्स के सातवें माले पर खरगोन के सब रजिस्ट्रार के पद पर पदस्थ राहुल सिंह नामक व्यक्ति ने अपने ही लाइसेंसी बंदूक से स्वयं पर गोली चला ली और आत्महत्या करने का एक मामला सामने आया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए एम्बा अस्पताल भिजवा दिया गया है। दरअसल पुलिस के द्वारा बताया गया है कि प्रथम दृष्टया तो स्वयं के द्वारा ही गोली मारना प्रतीत हो रहा है और इनके पास से ही इनकी लाइसेंसी बंदूक भी बरामद की गई है। घटना के वक्त वह अपने कमरे में मौजूद थे और अन्य परिवारजन नीचे हॉल में थे। गोली चलने की आवाज़ जैसी ही आई तत्काल कमरे पर पहुंचे जहां पर बेसुध होकर नीचे वह पड़े हुए थे। तत्काल हॉस्पिटल उन्हें ले जाया गया जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पूरे मामले में विजयनगर पुलिस को सूचना दी गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंची और तफ्तीश में जुट चुकी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया है। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले में किसी भी तरह की कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं लेकिन उनके मोबाइल और अन्य संबंधित जाँच हो रही है। हमेशा अपने परिवारजनों के पास खरगोन और इंदौर वह आया करते थे और फिर यहाँ से इंदौर आ जाते थे। विजयनगर में कल एक पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति हैं जो सब रजिस्ट्रार हैं, खरगोन जिले में पदस्थ हैं, उनमें जो है जब घर के सभी लोग उपस्थित थे उस समय किसी एक घर के सदस्य को गोली की आवाज़ आई तो जब देखा तो जो उनके जो व्यक्ति हैं उनको गर्दन के पास गोली लगी हुई थी। तो पुलिस को जब सूचना मिली तो पुलिस ने इसमें मर्ग कायम किया है। इसमें जो है और उसकी जो है पोस्टमार्टम पीएम करवाई जा रही है और इसके बाद जो सभी घर वालों के बयान लिए जाएंगे, उसके बाद जो मृत्यु का जो कारण है उसके बाद फिर पुलिस निष्कर्ष में अपना प्राप्त करेगी। अभी एक बार घर लोग अभी चूंकि घर और परिवार के लोग शोकाकुल हैं तो एक बार जब अपन पीएम के बाद फिर अंतिम क्रियाक्रम करने के बाद घर वालों के बयान लेंगे और जो भी दस्तावेज प्राप्त हुए हैं उनको जांच करेंगे और उसके बाद फिर अपन जो है आगे की कार्रवाई वैधानिक कार्रवाई करेंगे। हाँ, वो संडे के दिन था तो संभवतः वो छुट्टी पर आए थे। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।